हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जो आज हम टॉपिक यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोलिजन से है। इसके पहले भी हमने कोलिजन का एक वीडियो बनाया था जिसमें कोलिजन में हमने सिंपल क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखा था। अब उसके बियॉन्ड हम जाके जो सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, हम उस क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। और एनर्जी कंजर्वेशन पे कैसा बेस्ड है ये, किस तरह बेस्ड है ये, हम उस पर बात करेंगे। तो बेसिकली जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। यहाँ पे एक M1 मास का ऑब्जेक्ट है, एक M2 मास का ऑब्जेक्ट है। एक वेलोसिटी U1 से चल रहा है, दूसरे की वेलोसिटी U2 है। यहाँ पे हम देखेंगे कि U1 जो है वो ग्रेटर देन U2 है। ये कंडीशन ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही कोलिजन पॉसिबल है। अगर U1 लेस होता U2 से तो कभी भी कोलिजन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने इस कंडीशन को लिया है। फिर ड्यूरिंग कोलिजन होता क्या है, तो ये जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे एक्चुअली, तब जो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आते हुए एक दूसरे को प्रेस करेंगे, जब ये दोनों एक दूसरे को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से प्रेस होते समय पर वहाँ पे दोनों के ऊपर एक इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। और वो इम्पल्सिव नॉर्मल दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस पे इम्पल्सिव नॉर्मल पीछे की तरफ एक्ट करेगा, और वो इम्पल्सिव नॉर्मल इस U1 को कम कर रहा होगा, वही इम्पल्सिव नॉर्मल इस पे आगे की तरफ एक्ट करेगा, और वही इम्पल्सिव नॉर्मल इस U2 को बढ़ा रहा होगा। तो ड्यूरिंग कोलिजन कोई एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें U1 कम हो रहा होगा, U2 बढ़ रहा होगा, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें U1 और U2 इक्वल हो जाएंगे और एक फाइनल वेलोसिटी V' जो हमें मिल जाएगी, जो कि कॉमन वेलोसिटी हम कह सकते हैं, उससे दोनों ऑब्जेक्ट एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मूव होने शुरू हो जाएंगे। उस स्टेट को हमने कहा है दैट इज द कॉमन वेलोसिटी, दैट इज मैक्सिमम डिफॉर्म स्टेट, और इस समय पे पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी मैक्सिमम रहेगी। इसके बाद वापस से वही इम्पल्सिव नॉर्मल जो एक्ट हो रहे हैं, वो फर्दर इम्पल्सिव नॉर्मल्स जो हैं वो इस V' को, पीछे वाले के लिए V' को और कम करेंगे, और वही इम्पल्सिव नॉर्मल ये जो आगे M2 है इसका V' को बढ़ाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि जो M1 मास है उसकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी और M2 मास की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब फाइनली जस्ट आफ्टर कोलिजन आप ये देखेंगे कि V2 विल बी ग्रेटर देन V1, और जैसे ही V2 V1 से बड़ा हो जाएगा, अब फर्दर वो ऑब्जेक्ट्स अलग निकल के चलने शुरू हो जाएंगे। ये बेसिक चीज कोलिजन में हो रही है, बट हमें इसकी एनर्जीज के बारे में बात करने के लिए एक नया पैरामीटर है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसके ऊपर डिस्कस करना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ सॉरी रिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन, इट इज रेशियो ऑफ इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन, सो इज इक्वल्स टू वी कैन डिफाइन IR/ID। तो ये बेसिक चीज है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन, इट इज अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बेसिकली ये इम्पल्स का रेशियो है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि E जो है वो यूनिटलेस है, और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये डायमेंशनलेस है, एंड ये भी कह सकते हैं हम कि ई डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, ई डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, ये कोलाइडिंग बॉडीज के मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये एक इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के रेशो से हमने बनाया है। अब रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन है क्या, पहले हम इसको समझते हैं, ये इम्पल्सेस कौन से इम्पल्सेस हैं। एक्चुअली अगर हम इन फिगर्स पे ध्यान दें, इफ आई से दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर नंबर 2, दिस इज फिगर नंबर 3, तो आप देखेंगे कि फिगर नंबर 1 से 2 तक बॉडीज डिफॉर्म हो रही हैं। तो 1 से लेकर 2 तक जो इम्पल्स काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। और अगर आप देखेंगे तो 2 से लेकर 3 तक बॉडीज जो हैं वो वापस से रिफॉर्म हो रही है, वो वापस अपने शेप को रीगेन करने की कोशिश कर रही है, तो जो इंपल्स वहां पे काम कर रहा है, दैट इज इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। यहां से यहां तक रिफॉर्म हुआ है, यहां से यहां तक डिफॉर्म हुआ है, तो रिफॉर्मेशन का इंपल्स और डिफॉर्मेशन के इंपल्स को जब हम रेशियो में लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये ई होती क्या चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने एक छोटे से एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि एक गीली मिट्टी का बॉल बनाए, एक गीली मिट्टी का बॉल बनाए, एकदम गीली मिट्टी है, आपने बॉल बना लिया उसका स्फेरिकल शेप का। अब आपने क्या किया, उसे कुछ हाइट से ड्रॉप कर दिया।
जैसे ही आप एच हाइट से ड्रॉप करेंगे आपको कुछ इस तरीके का शेप दिखेगा जमीन पे पड़ा हुआ। आपको कुछ इस तरीके का शेप इसलिए दिखेगा जमीन पे पड़ा हुआ क्योंकि वो वापस बाउंस बैक नहीं कर सकता, मट्टी का गीली मिट्टी का बॉल है वो वापस बाउंस नहीं हो सकता। जैसे ही वो टकराया, टकराते ही वो जितना डिफॉर्म हो गया बस वहाँ डिफॉर्म होकर वो रह गया, फिर उसके बाद वो जो शेप था वो रिफॉर्म नहीं हो पाया, यानी वहाँ इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन है ही नहीं, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन है ही नहीं। इस केस के लिए इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू जीरो। यहां से यहां तक सिर्फ इम्पल्स, यहां से जो है एक्ट हो रहा था जैसे ये पूरा स्फेरिकल शेप का था, दबते दबते वो डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म होने के बाद रिफॉर्म नहीं हो पाया, सिर्फ इस पे कौन सा इम्पल्स एक्ट कर रहा था, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन जीरो था। आप समझ सकते हैं कि अगर हम ई को आई आर बाय आई डी डिफाइन कर रहे हैं इसमें इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन है ही नहीं। तो अगर इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन जीरो है, आईडी कुछ भी हो बट इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अगर जीरो है तो यहां पे आप बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस केस में क्या हो गया, जीरो। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई ई की, ई की एक वैल्यू हो सकती है जीरो। इम्पल्स ऑफ अगर रिफॉर्मेशन जीरो है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि ई जीरो क्यों हुआ। दूसरी चीज हम इसके उल्टा एक और चीज को सोचने के देखते हैं कि हमने एक बहुत अच्छा हाई क्वालिटी रबर का ऐसी चीज ली जो बहुत अच्छी क्वालिटी की रबर है, उसका बॉल बनाया और बॉल बना के हमने क्या किया, ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद यह हुआ कि ये जस्ट यहाँ पे टकराना शुरू हुआ, टकराना शुरू हुआ तो थोड़े समय के बाद आप देखेंगे यहां से सर्फेस फ्लैट होता चला गया, इस तरह से बन गया। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये पूरा फ्लैट हो चुका होगा, यहां से लेके यहां तक इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन काम कर रहा था, बट जबकि ये एक रबर का अच्छी क्वालिटी के रबर का बॉल है तो ये वापस अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जब वो अपने आप को रिस्टोर करेगा यानी उस समय फिर से इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन काम करेगा। यहां पे अगर ये अपने डिफॉर्मेशन को पूरी तरह रिस्टोर कर लेता है तो इस केस के लिए हम ये कह सकते हैं कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन दोनों इक्वल है। अगर इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन दोनों ही इक्वल हैं इस केस में तो हम वहां पे रेशो में अगर देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आ जाती है 1। आप ये बात भी समझ सकते हैं क्या कोई भी ऑब्जेक्ट, एक बात हमें समझनी पड़ेगी, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को डिफॉर्मेशन से ज्यादा रिफॉर्म कर सकेगा? कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपने आप को ज्यादा रिफॉर्म नहीं कर सकेगा, हाँ, बशर्ते अगर आपने उसे जोर से पटका है नीचे तो वो ज्यादा बाउंस बैक जरूर करेगा क्योंकि आपने कुछ एनर्जी वहां लगाई है। बट अगर आप सिंपली ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप करने पे वो जितना डीफॉर्म हुआ है मैक्स टू मैक्स वो सिर्फ उतना रिफॉर्म हो सकता है, उससे ज्यादा रिफॉर्म नहीं हो सकता। इसका मतलब इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के बराबर हो सकता है, कभी भी इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ई जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है। अगर ई की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है इसका मतलब एक तो मिनिमम वैल्यू 0 ले ली, एक तो 1 ले ली। वो मिनिमम वैल्यू 0 और 1 की अगर हम बात करते हैं तो 0 और 1 के बीच में ही अब कोई वैल्यू होगी, क्योंकि इसका थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो कोई बॉल आया, कोई टकराया, एक सिंपल सा आपने कोई रबर का बॉल दिया, वो आया टकराया, अब वो डिफॉर्म तो हुआ, डिफॉर्म तो हुआ पर पूरा रिफॉर्म नहीं हुआ। अगर डिफॉर्म हुआ पूरा रिफॉर्म नहीं हुआ इसका मतलब इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन वॉज ग्रेटर देन इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। कभी आपको यह केस नहीं मिलेगा कि इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इज ग्रेटर देन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ये कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ग्रेटर है इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन से, इसका मतलब ई जो है वो हमेशा लेस देन 1 होगा। इससे एक बहुत सिंपल चीज हमें समझ में आती है, इन एग्जांपल्स के थ्रू एक बात समझनी है आपको कि ई की एक वैल्यू होगी वो तो हो सकती है 0, ई की एक वैल्यू हो सकती है 1 और अदरवाइज ई की वैल्यू हो सकती है लेस देन 1। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऑलवेज जो ई है, ऑलवेज E should be greater than or equal to 0 or less than or equal to 1, ये हम कह सकते हैं। अब इसके आगे हम कुछ क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। ये तो समझा दिया है, E को मैंने बता दिया है E क्या होता है। अब हम इसके आगे थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को, कोलिजन को क्लासीफाई करते हैं। कोलिजन को अगर हमें क्लासीफाई करना है तो सबसे पहले हम सोच सकते हैं ऐसा कि पहले टाइप का कोलिजन जो है वो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात की जाए तो इसमें ई की वैल्यू होती है 1। यानी इसमें जब किसी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, जब कोई बॉडी कोलाइड करती है तो वहां पे जितना वो डिफॉर्म होती है वो उतनी रिफॉर्म होती है। तो इस तरीके से इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब ये भी है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज is
कंजर्वड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी इज कंजर्वड, एक तो ये आप कह सकते हैं। दूसरी आप एक चीज कह सकते हैं, अगर ई वन है, अगर ई की वैल्यू वन है, तो आप कह सकते हैं कि इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन विल बी इक्वल टू इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन, ये आप चीज कह सकते हैं। अब यहां से अगर हम देखें तो इसमें एक और चीज है, इसमें एक और बात है, इसमें हम अगर थोड़ा सा अंदर जाएं तो यहाँ पे किसी भी तरह से एनर्जी का लॉस नहीं होता, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ यूज कर सकते हैं और इसको हम आगे ले जा सकते हैं। तो एक तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया फर्स्ट टाइप का, इसके बाद एक है इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन एक और मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा, किसी किसी किताब में जैसे इलास्टिक कोलिजन के लिए हम ये कह सकते हैं कि इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, तो ये जीरो और वन के बीच में लाई करने वाला जो ई का वैल्यू है उसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। पर कई सारी किताबों में क्वेश्चन के अंदर इलास्टिक कोलिजन बोल के ई को वन भी लिया जाता है, और कई जगहों पे कोलिजन का नाम ही नहीं बताते इलास्टिक है इनइलास्टिक है, सिर्फ बोल देते हैं दे आर कोलाइडिंग और ई की वैल्यू जीरो से वन के बीच में रह सकती है। वहां पे हमें ई को फाइंड आउट करने बोला जाता है, तो हमें समझ जाना है कि ई या तो जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है, हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि ई जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरह से इलास्टिक कोलिजन मैंने नाम तो रखा है, पर किसी किसी किताब में अगर देखेंगे तो उसको इलास्टिक कोलिजन नहीं बोला गया, किसी किसी बुक्स में उसको इलास्टिक कोलिजन नहीं बोला गया, इसको इलास्टिक बोला गया। हमने इसको परफेक्टली इलास्टिक बोल दिया जिसमें ई की वैल्यू जीरो से वन के बीच में उसे इलास्टिक कह दिया। अब इसमें अगर देखेंगे आप तो काइनेटिक एनर्जी जो है, अब ये कंजर्व नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्वड। और आप यहां अगर देखेंगे तो अब जबकि ई की वैल्यू जीरो और वन के बीच में है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन इज ग्रेटर देन इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन, उतना रिफॉर्म नहीं हो पाएगी ऑब्जेक्ट। ये दो दूसरी चीज हो गई। और तीसरी तरह की बात जो होती है दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। अगर हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें तो ई जो है वो लेस देन वन है, ई जो है वो इक्वल टू जीरो है। इनइलास्टिक कोलिजन में इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो है, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विथ इक्वल टू जीरो बोथ बॉडीज विल स्टिक टुगेदर, बोथ बॉडीज विल स्टिक टुगेदर एंड मूव विथ कॉमन velocity and move with common velocity. तो यहाँ पे both bodies will stick together and they will move with common velocity. और इसके साथ यहाँ पे जो kinetic energy है, kinetic energy lost, maximum kinetic energy lost, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे maximum energy का loss होता है, maximum energy is lost. और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि impulse of reformation is equal to zero, reform हो ही नहीं पा रही है body, impulse of reformation is equal to zero. So ये कुछ basic classification है जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर E1 है तो वो kinetic energy उस system की या उस colliding bodies की, उन colliding bodies की conserve है, impulse of reformation, deformation equal है। अगर elastic collision है तो वो E की value zero और one के बीच में कुछ हो सकती है जिसके कारण kinetic energy conserve नहीं है। impulse of deformation जो है वो reformation से बड़ा है। अगर inelastic collision है तो इसका मतलब E की वैल्यू जीरो है। इस केस में दोनों बॉडीज जो है आफ्टर कोलिजन चिपक के चलती हैं, उनकी कॉमन वेलोसिटी होती है और वहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन उस केस में जीरो होता है। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ई, उसका एक बेसिक फॉर्मूला मैं यहां लिख दूंगा, बाकी हम उसे डिराइव नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस मैं अभी यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, जैसे कि इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई होता है, तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर आप वहां से देखें, आप अगर उस फिगर से देखें तो वहां पे आपको दिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उस केस में सेपरेशन जब कोलिजन के बाद आप देख रहे हैं v1 और v2 वेलोसिटीज आ चुकी हैं, अब ये बॉडी सेपरेट होने जा रही हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है दैट इज v1 माइनस v2, और आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो बिफोर कोलिजन है, वहां दो वेलोसिटीज दी हुई थी u1 एंड u2, तो वहां अप्रोच की वेलोसिटी जो थी वो u1 माइनस u2 थी। तो वहां पे u1 माइनस u2 अगर हम अप्रोच के लिए लिखते हैं, दैट इज सॉरी दिस इज v2 माइनस v1 एंड दिस इज u1 माइनस u2 बिकॉज v2 इज ग्रेटर हियर। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1 बिकॉज v2 इज ग्रेटर।
and velocity of approach is u1 minus u2 because u1 was greater. Now coefficient of restitution is equals to v2 minus v1 upon u1 minus u2. This is the basic formula for coefficient of restitution, but we will derive this formula in the next part of this video. Definitely we will derive this formula in the next part of this video. One more thing I want to add, that when we apply formula of E for any question, we have to apply it along the line of impact. We have to apply it along the line of impact, and all the velocities should be kept with proper sign. So ये चीज़ें हमें बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितना भी हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला हमें हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग लगाना है. और एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो वेलोसिटीज़ हैं उनकी साइन हमें बहुत प्रॉपर रखनी है. इसके बारे में हम बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे. इसके साथ हम लोग अब कौन कौन सी इक्वेशंस कोलिजन के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. अब बेसिकली मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस कौन सी हैं जिनसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ये हमने अभी सिर्फ इसका बैकग्राउंड क्रिएट किया है. अभी हम इस वीडियो में इतने से ही रुक जाएंगे. इसके बाद के वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे. तो थैंक यू.